हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी पोको F5 5G है। तो पोको F5 5G फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं पोको F5 5G फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है और स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में पोको F5 5G फ़ोन है तो उसमें आप कैसे 5G नेटवर्क सॉरी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपके फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। जहाँ से आप भैया इंडिया सेटिंग्स को सॉरी जहाँ से आपको बैक करना है, बैक करते ही आपको जाना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग पे। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर इसको ओपन करेंगे, ओपन करते ही यहाँ से आप 5G नेटवर्क को इनेबल कर सकते हैं और इंटरनेट चला सकते हैं। देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को ऑन कर सकते हैं और 5G इंटरनेट वगैरह चला सकते हैं। और ऑफ़ कर देंगे तो हमारे फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स ऑफ हो जाएगी, इससे आप 5G नेटवर्क को ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर माई थीम्स वगैरह को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर पाएंगे। सिग्नेचर टाइप में आप सेट करना चाहें, क्लॉक में सेट कर सकते हैं। फिर आते हैं एनालॉग्स, डिफरेंट टाइप एनालॉग्स को भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से क्लाइडोस्कोप डिफरेंट टाइप्स के शो होते हैं हमारे फ़ोन में, देख सकते हैं, कोई भी आप चेंजेस कर सकते हैं। डिजिटल क्लॉक्स या फिर सेलेक्ट बैकग्राउंड वगैरह भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई कर देंगे तो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट करके क्लॉक्स वगैरह को सेट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन इफेक्ट भी आप सेट कर पाएंगे अपने पोको फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।